यूपी की बरेली फरीदपुर पुलिस ने 18 मार्च को हुई सुनील कुमार नाम के युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना के संबंध में युवक की प्रेमिका सहित उसके भाई, पिता, पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा सर्विलांस की मदद से किया है। दरअसल घटना वाली रात प्रेमिका एकता ने सुनील से बात करके अपने घर बुलाया था। एसएसपी रोहित सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के महिला से संबंध थे और उसने महिला के कुछ आपत्तिजनक वीडियो बना लिए थे, जिससे वो महिला के साथ ब्लैकमेलिंग करने के साथ पैसे की डिमांड कर रहा था। महिला ने परेशान होकर पूरा मामला अपने परिजनों को बताया। इसके बाद हत्यारोपियों ने योजना बनाई और घटना के दिन रात 11 बजे महिला के घर मिलने बुलाया। इसके बाद मिलकर चारों ने सुनील की हत्या कर दी और शव को पड़ोस के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से खुलासा करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के चारों हत्यारोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। क्या पूरा घटनाक्रम किस तरह से घटना को अंजाम दिया था, कारण क्या था? 19 मार्च की सुबह थाना फरीदपुर के अंतर्गत एक मृत शव जो है गाँव में ही प्राप्त हुआ था और इसमें जो मृतक है, मृतक सुनील कुमार पुत्र रामशरण जाटव जो थे, ये थाना फरीदपुर में मृत पाए गए थे। इसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम में मौत के कारण एंटीमार्टम थ्रॉटलिंग आया था और पुलिस के द्वारा इसमें अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसके बाद इसकी विवेचना की जा रही थी। तो विवेचना में पुलिस के द्वारा जो छानबीन की गई, जो साक्ष्य एकत्रित किए गए, उसमें चार व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए हैं। इसमें सौरभ पुत्र राजकुमार, राजकुमार पुत्र स्वर्गीय पोथीराम, श्रीमती एकता पत्नी सत्येंद्र और सत्येंद्र पुत्र शिवराम। इसमें जो मृतक है उसकी पूर्व प्रेमिका, उसका भाई, उसका पिता और उसका पति, ये चारों ही लोग इस हत्या में शामिल थे और जो कारण के द्वारा बताया गया कि जब ये इनके प्रेम संबंध थे पूर्व में। तो देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।